देखिए, आपके और हमारे दोस्त कभी कभी ये बोलते हैं कि आप कभी जिंदगी में पास नहीं हो सकते, आपको ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि आप इस लायक नहीं हो, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका मैथ्स कमजोर है, आपको कभी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीखना चाहिए क्योंकि आपकी मदर टंग खराब। दोस्तों, मैं आज आपको वही सब बताने वाला हूं इस मोटिवेशनल स्पीच में, बहुत अच्छी है। देखिए, मैं आप सबको जनरली बेसिस पर, अगर मैं अपनी बुद्धि पर हूं, तो यदि आपसे कोई ऐसे बोले कि मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, तो मेरे दोस्त उसका साथ ही छोड़ दे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पीछे कारण यह है कि उस व्यक्ति ने के जीवन में कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि जो ट्राई करेगा वही तो फेल होगा। अरे भाई, जिसने अपने कंफर्ट जोन को कभी छोड़ा नहीं हो, क्या वो भला कभी फेल हो सकता है? लेकिन मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा यार, मुझे आप एक बात बताइए, एक एरोप्लेन कहां पर सेफ होता है बताइए? आकाश में सेफ होता है या फिर जमीन पर सेफ होता है? आपका जवाब होगा जमीन पर सेफ होता है। पानी का जहाज कहां पर सेफ होता है, समुद्र में या फिर किनारे पर बताइए? आपका जवाब होगा कि सर वो तो किनारे पर सेफ होता है, यही जवाब है ना। और एक स्टूडेंट घर पर सेफ होगा या फिर कॉलेज में सेफ होगा? आप सबका जवाब होगा कि सर एक स्टूडेंट घर पर सेफ होगा। क्या उनकी कभी वहां पर इज्जत होती है क्या? एरोप्लेन की इज्जत तब होती है जब वो आसमान का सीना चीरे, और पानी के जहाज की इज्जत तब होती है जब वो लहरों का सीना चीरे, और एक स्टूडेंट की इज्जत तब होती है जब वो बड़े से बड़ा रिकॉर्ड तोड़े। यदि आप सेफ जोन की तलाश कर रहे हैं तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मेरे दोस्त, आगे बढ़ो और ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने आपको इस काबिल समझा कि आपकी झोली में चैलेंजेस डाले। हमें इस बात को बिल्कुल सही तरीके से साबित कर सकता हूं। अपने परमात्मा का, ईश्वर अल्लाह परमात्मा का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने आपकी इस काबिल समझा कि आपकी झोली में चैलेंजेस डाले। भाई, उसने ये चैलेंजेस क्यों डाले? क्योंकि उसने आपको इस काबिल समझा। अरे, यदि आपका एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसी भी लाइन में यदि आपकी सरकारी नौकरी लगती है, तो आपको सिलेक्शन क्यों मिला? आपको एयरफोर्स ने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि उनको आपके अंदर कुछ काबिलियत लगी, तभी तो आपको सिलेक्शन दिया। यस और नो? इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यार, आप ना ये सब बहाने बनाना छोड़ दीजिए। आज के जमाने में बहानों से कुछ नहीं होता। मैं ये डेली कमेंट्स पढ़ता हूँ बच्चों का, उनमें किस तरह के बहाने होते हैं कि सर मैं तो छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, सर मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, सर मैं इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं बोल पाता, सर मुझे अपनी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, सर हमारे स्कूल टीचर्स ना कुछ पढ़ाते नहीं, सब बेकार है, मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन मेरे अच्छे एग्जाम्स नहीं आते, मैं एक एक दो दो नंबर से रह जाता हूँ। पता है ना, कोई नहीं बैठा ये सब बहाने सुनने के लिए। मेरे भाई, आज का टाइम बहुत चेंज हो गया। यदि आपका जीवन आपकी, देखिए ये आपका जीवन है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यार, दुनिया में कोई भी ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर होगी, बोलिए होगी या नहीं होगी? दुनिया में एक भी ताला बिना चाबी के बना है क्या? यदि इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई आपको सिखाने वाला होगा। यदि आपको चलना नहीं आता तो आपकी कोई ना कोई मदद करने वाला होगा ताकि आप चलना सीख सकें। आप सब कुछ कर सकते हैं। यदि आपकी लाइफ जितनी ज्यादा चैलेंजेस से भरी रहेगी, आपकी जीत भी उतनी ही अच्छी होगी। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए तो आपको निराश नहीं, आपको हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े चैलेंजेस होंगे, जीत भी उनकी उतनी ही बड़ी होती, उतनी ही शानदार होती, कि द मोर यू डू द मोर यू गेट। यदि आप जितना ज्यादा करते हो उतना ज्यादा आपको रिजल्ट उसका मिलता है। देखिए, यदि आप एक घंटे पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ आप एक चैप्टर ही याद कर पाएंगे, लेकिन यदि आप 10 घंटे पढ़ोगे तो शायद हो सकता है कि आप नए नए 10 चैप्टर्स को पढ़ सकते। यस ना? तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी मेहनत कम होगी तो आपकी सफलता भी उतनी ही कम होगी। अभी आपके गवर्नमेंट के एग्जाम्स आने वाले हैं, और उनके लिए यदि आप सिर्फ एक घंटे या फिर दो घंटे पढ़ रहे हैं, तो बताइए क्या आपकी नौकरी लगनी चाहिए? एक स्टूडेंट जो अपने घर पर बैठ करके 15 से 16 घंटे रात और दिन एक कर देता है, क्या उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए? आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आपकी 2 और 3 5 घंटे पढ़ करके यदि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप अपने आसपास के सराउंडिंग एरियाज को छोड़िए और अपने आने वाले फ्यूचर में उसकी तरफ ध्यान दीजिए।
आप जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट निराश हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, अरे क्या नहीं कर सकते, आप एक बार चलना तो सीखे। आप जब तक अपना स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो क्या आप 100 मीटर या फिर 1 मीटर चल पाएंगे? आपने सोचा कि मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं जानता ही नहीं चलना। जब तक आप अपने हाथ में खाने का एक कौर नहीं लोगे तो क्या वो मुंह में पेट में पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टडी की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।